सो हेलो गाइस, स्वागत है सबका आज की नई वीडियो में। भाई मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ यार कि अगर आपके पास भी अगर आ रहा है ऐसा कुछ वायलेशन नोटिस जिस पर लिखा हुआ है डियर सर्वाइवर यू हैव रिक्वेस्टेड एंड रिसीव रिफंड फॉर अ परचेज रिसेंटली, इसका भाई मतलब ये है कि अगर आपने टॉप अप कराया या फिर मेंबरशिप लिया, ठीक है, तो आपने आपने फ्री फायर का डायमंड यूज़ कर लिया और साथ में आपने रिफंड कर लिया। रिफंड का मतलब ये है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो अगर मेंबरशिप में, ठीक है, सब्सक्रिप्शन से क्या होता है, अगर आपने मंथली मेंबरशिप लिया जितने भी रुपये का, अगर आपने मतलब कि सब्सक्रिप्शन पे अगर कंप्लीट अगर क्लिक कर दिया तो आपके वही पैसे मतलब वापस से मतलब कटेंगे आपके पेटीएम या फिर गूगल अकाउंट से आपके वापस से मेंबरशिप ख़रीदने के लिए। वो आपको बिना पूछे भाई वो मतलब मेंबरशिप ले ली जाती है। और अगर आपके पास पैसे नहीं होते और अगर आपने पहले के डायमंड यूज़ कर लिए होते हैं तो आपके वो डायमंड वापस करने होते हैं फ्री फायर को वापस। तो मैंने अपने डायमंड यूज़ के लिए 236 और उसके बाद मैंने कर लिया रिफंड। तो भाई अब मेरे को करना क्या होगा कि फ्री फायर को 236 डायमंड वापस से लौटाने होंगे तब जाके मेरा अकाउंट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो भाई डायमंड वापस लौटाने के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ टॉप अप करना है, ठीक है। और टॉप अप करने के बाद अगर आपको अपना सब्सक्रिप्शन हटाना है कि नेक्स्ट बार से ऐसा ना हो तो आपको जाना है सीधा प्ले स्टोर पे। और भाई प्ले स्टोर हम खोलते हैं, ठीक है, प्ले स्टोर एक मैं ढूंढता हूँ। प्ले स्टोर से हमें मिल चुका है। प्ले स्टोर के बाद आपको जो ऊपर थ्री लाइन्स के ऊपर आपको क्लिक करना है, आपको नोटिफिकेशन चेक करना है अगर आपको कोई नोटिफिकेशन फ्री फायर की ओर से आई है कि नहीं प्ले स्टोर पर। यार मेरे को तो वैसे अभी नहीं आई है। तो आपको फिर क्लिक करना है सब्सक्रिप्शन, लिखा हुआ सब्सक्रिप्शन, तो भाई मैंने तो हटा चुका है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फ्री फायर करके लिखा होगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। मेरे में तो अभी नहीं है क्योंकि मैंने हटा चुका है अपना सब्सक्रिप्शन। आपको वहाँ पे क्लिक करना है। फिर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आएगा कि आप अपना भाई सब्सक्रिप्शन क्यों हटाना चाहते हो। आपको सीधा बस अदर पे क्लिक करना है, उसके बाद कंटिन्यू पे प्रेस कर देना है। कंटिन्यू पे प्रेस करने के बाद एक पेज खुलेगा जिसमें लिखा रहेगा कैंसिल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। कैंसिल पे क्लिक करना है भाई, उसके बाद आपका सब्सक्रिप्शन हट जाएगा। तो यार अब बात करें भाई हम अगर बात करें कि ये बहुत बार ऐसा भी होता है कि मतलब अगर ये कोई टेक्निकल इशू के वजह से भी होता है, अगर कोई टेक्निकल इशू है तो भाई आपको क्या करना है, आपको फिर से जाना है प्ले स्टोर में और उसके बाद यार आपको सीधा बस खोलना है फ्री फायर। और फ्री फायर खोलने के बाद अगर आप जाओगे अबाउट में तो अबाउट में यार एक लिंक मिलता है जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन से भी लिंक में जा सकते हो। डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाने पे आप फ्री फायर का पेज खुलेगा जहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो अपनी वहाँ पे प्रॉब्लम लिख के, ठीक है। तो यार अब बात करते हैं भाई ये और किस किस वजह से हो सकता है। यार ये भाई हो सकता है अगर आपने कभी हैकर के साथ खेला या फिर आप हैकर हो। भाई फ्री फायर ऐसे किसी की बैन नहीं करता है अकाउंट। फ्री फायर अकाउंट वही बैन करता है या तो अगर आप गेम में अगर कुछ छेड़खानी करते हो या फिर मतलब भाई दूसरे बंदे कितने सारे ऐप्स बताते हैं कि इससे आपका गेम की सेंसिटिविटी अच्छी हो जाएगी आपको। और भाई ये सब कुछ नहीं करना है, जो आपके फ़ोन में आपको उसी से खेलना है, ठीक है। और अगर आप गेम लॉन्चर से खेलते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, उससे आप आराम से खेल सकते हो। लेकिन अगर आप मान लो अगर आपने रेंडम में स्टार्ट किया स्क्वाड के साथ और अगर आप अकेले बंदे पहुँचे मतलब तीन बंदों के बीच में और चौथा बंदा जो स्क्वाड का बंदा है वो एक हैकर है, ठीक है, आपको पहले तो पता नहीं रहेगा। जब आप गेम स्टार्ट करोगे वो जब एक दो किल करेगा भाई तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और यार अगर जिस बंदे को मारेगा तो यार वो तो भाई मतलब पक्का है कि भाई वो उसको रिपोर्ट ज़रूर करेगा। तो यार आपको क्या करना है, अगर आपको जैसे ही पता चलता है कि ये बंदा हैकर है तो आपको अपनी गेम सीधा बैक कर लेनी है या फिर लैंडमाइन से मर जाना है और आपको उस बंदे को रिपोर्ट कर देना है जो बंदा हैकर है, ठीक है। या तो सीधा आप ये कर सकते हो, सीधा बैक करके गेम चले जाओ सीधा लॉबी के अंदर यार। क्योंकि अगर आप मान लो भाई अगर आप हीरो के लिए सिर्फ आपको 1+ भी चाहिए ना यार, फिर भी भाई बैन कर लो यार। क्योंकि हीरो एक भाई ना जाओ वो अच्छा है, लेकिन यार अकाउंट तो कम से कम बैन नहीं होना चाहिए। और भी बहुत सारे रीजंस जिसमें भाई फ्री फायर अकाउंट सिर्फ बैन नहीं मतलब सस्पेंड भी कर देता है। सस्पेंशन मतलब ये होता है कि फ्री फायर आपका अकाउंट 2 महीने 3 महीने 6 महीने तक के लिए सस्पेंड कर देता है, मतलब कि आप उसमें गेम नहीं खेल सकते हो अगर आप कोई भी स्क्रिप्ट यूज़ करते हो या फिर कुछ भी अगर पकड़े जाते हो कुछ भी यूज़ करते हो जो गेम में यूज़ नहीं करना चाहिए। तो उस टाइम फ्री फायर मतलब ऐसा कर सकता है। और भाई फ्री फायर अकाउंट मतलब तभी बैन कर दे जब आपके पर बहुत सारे रिक्वेस्ट है। अगर आपके पास बहुत सारी रिपोर्ट आ जाए आपके ऊपर तब फ्री फायर आपके अकाउंट बैन कर देता है। तो यार बस यही है कि भाई आपको मतलब बिल्कुल फेयर गेम प्ले दिखाना है, आपको मतलब कोई गेम में चीटिंग नहीं करना है। भाई जब बाकी सारे बंदे कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। तो बस भाई आज के लिए यार बस इतना ही। अगर यार वीडियो अगर अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अगर आपका इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब तो कर ही देना है।